हेलो, यहाँ मैं वायरलेस कम्युनिकेशन के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन, द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन सी टेक्निक मॉड्यूलेशन यूज की जाती थी? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी ASK एंड ऑप्शन डी FSK मॉड्यूलेशन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो उस समय हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फ्लिंडी ब्लैंक्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इन 1935 में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए एडविन आर्मस्ट्रांग, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैली एंड डी डेविड होम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, एडविन आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम वर यूज्ड इन। इसका मतलब ये है कि जो पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम होता है वो इनमें से किस में यूज़ होता है? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स मोड, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स मोड, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स मोड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम होता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में होता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, DECT स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे हमें DECT का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए डिजिटल यूरोपियन सेलुलर टेलेक्स, डिजिटाइज्ड इमरजेंसी सेलुलर टेलीफोन, सी डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन एंड डी डिजिटल यूरोपियन सेलुलर टेलीफोन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। मतलब सबसे पहला सेलुलर सिस्टम किसने डेवलप किया था? निप्पोन, ऑप्शन ए निप्पोन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ NTT जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी बेलकोर एंड मोटोरोला, ऑप्शन सी AT&T बेल लेबोरेटरीज एंड डी क्वालकॉम। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है, NTT। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पेजिंग सिस्टम वर बेस्ड ऑन। मतलब हमारा जो पेजिंग सिस्टम होता है वो इनमें से किस पर बेस्ड होता है? तो ए सिंप्लेक्स सिस्टम, बी हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, सी फुल डुप्लेक्स सिस्टम एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा पेजिंग सिस्टम होता है वो एकदम सिंपल सा होता है, जिसमें केवल मैसेज ही केवल भेजे जा सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सिंप्लेक्स सिस्टम। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, पेजिंग सिस्टम कुड बी यूज्ड टू। पेजिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए सेंड न्यूमेरिक मैसेज, बी सेंड अल्फा न्यूमेरिक मैसेज, सी वॉइस मैसेज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा पेजिंग सिस्टम होता है उसमें केवल मैसेज ही सेंड किए जा सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो, अल्फा न्यूमेरिक हो या वॉइस मैसेज हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर एट है, गैराज डोर ओपनर इज अ। गैराज डोर ओपनर क्या है इसमें से? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी ट्रांसीवर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो गैराज डोर ओपनर होता है वो हमारा ट्रांसमीटर होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ TV रिमोट कंट्रोल इज़ इन द रेंज। मतलब जो हम TV रिमोट यूज़ करते हैं उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती है? ऑप्शन ए ऑफ इंफ्रारेड, ऑप्शन बी लेस देन 100 MHz, ऑप्शन सी लेस देन 1 GHz एंड ऑप्शन डी 2 GHz। तो जो हमारा TV रिमोट होता है तो उसमें जो TV रिमोट के ऊपर एक LED लगी होती है, वहाँ कभी कभी किसी रिमोट पे लिखा भी होता है कि इंफ्रारेड होती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ऑफ इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर टेन है, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम फॉर का कम्युनिकेशन है।
मतलब हाफ डुप्लेक्स सिस्टम किस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट अ टाइम, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, नन ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।